तो बात करते हैं एडिनोमायोसिस की नोट्स की। ठीक है, एडिनोमायोसिस क्या है भाई? जो हमने देखा था एंड्रोमेट्रियोसिस में क्या देखा था, है ना, एडिनोमायोसिस और एंड्रोमेट्रियोसिस में एक डिफरेंस समझना। एडिनोमायोसिस में हमने देखा था कि जो यूट्राइन टिश्यू था वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी देखने को मिला, मतलब जो एंडोमेट्रियल टिश्यू था। बट यहाँ पे एडिनोमायोसिस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम टिश्यू होता है ना वो मायोमेट्रियम में घुस जाता है। थ्रू इट इज़ द इन ग्रोथ, इन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, बोथ द ग्लैंडुलर पार्ट एंड द स्ट्रोमल पार्ट, डायरेक्टली इन टू मायोमेट्रियम। एंडोमायोसिस, ठीक है। अगर हम बात करें इटियोलॉजी की, तो एंडोमायोसिस का क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? मल्टीपैरा वुमेन जो है, बहुत सारे बच्चे हैं उसके, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एडिनोमायोसिस हो जाए, है ना। इसमें विग्रस क्यूरेटाज किसी में हुआ है, किसी लेडी में, तो उसमें चांसेस है कि उसमें क्या हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है। जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज हो, इनग्रोथ हो सकते हैं इनटू द मायोमेट्रियम। एंड अगर किसी का बॉडी में, किसी लेडी के बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस है कि एडिनोमायोसिस हो सकता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोथ कर सकता है इनटू द मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द इटियोलॉजीज। यार पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, मेन दिक्कत क्या होता है, जो डिसरप्शन है एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल बॉर्डर का वो हो जाता है यहाँ पे, डिसरप्शन ऑफ एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल बॉर्डर। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो यहाँ पे एंडोमायोसिस के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है यार, मेनोरेजिया देखने को मिल सकता है ना, इरेगुलर मेंसिस ना, डिसमेनोरिया हो सकता है, यहाँ पे डिस पेरीमिया देखने को मिल सकता है, और डिसपेरीमिया नहीं, डिसपेरियूरिया बोलते हैं इसको, कि डिसपेरियूनिया, डिस पेरी यूनिया, दैट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिलता है यार यहाँ पे, है ना। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, है ना। इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है यार, मिसकैरेज भी हो सकता है बच्चे का, है ना। यूनिफॉर्म जो मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट भी देखने को मिल सकता है, यूट्रस का देखो कि यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट जो है लेस देन 14 वीक्स के साइज में नहीं बढ़ता, बट हाँ पीरियड ऑफ जेस्टेशन के हिसाब से नहीं, है ना, लेस देन 14 वीक्स में भी यहाँ पे साइज बढ़ सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लिनिकल फीचर्स की बात की हमने, मायो सॉरी एडिनोमायोसिस की। नाउ डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे एडिनोमायोसिस का, यार यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जिसमें अगर हम बात करें यूएसजी की, एमआरआई की, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल सकता है, सब एंडोमेट्रियल हेलो देखने को मिल सकते हैं, सब एंडो मैट्रियल हेलो देखने को मिल सकता है, हेट्रोइकोइक डिपोजिट देखने को मिल सकते हैं इन द यूट्राइन मायोमेट्रियम, हेट्रो इकोइक डिपोजिट्स देखने को मिल सकते हैं इन दी यूट्राइन मायो मैट्रियम। और क्या देखने को मिल सकता है भाई हमारे पास, जो इल डिफाइंड हाइपर इकोइक एरियाज देखने को मिल सकते हैं, इल डिफाइंड हाइपर इकोइक एरियाज देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्स ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड ना, समुद्र तालाब, लेक्स ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड। एंड जो जंक्शन है यार, है ना,
वो मोर देन 15 और 12 mm हो जाता है जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का। दिस इज़ द डायग्नोस्टिक ऑफ ना दिस इज़ द डायग्नोस्टिक क्या डायग्नोस्टिक ऑफ एडिनोमायोसिस। ठीक है, नॉर्मली जो जंक्शन होता है वो कितना होता है, इट इज़ 5 to 8 mm जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का, बट ये यहाँ पे 12 mm से बढ़ गया, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे एडिनोमायोसिस हुआ हो। तो हमने बात की अबाउट USGN MRI में क्या देखने को मिलेगा। अगर हम यूट्राइन बायोप्सी लेते हैं तो यूट्राइन बायोप्सी में क्या देखने को मिलेगा यार, एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है विद इन यूट्राइन मसल जो है वो देखने को मिल सकते हैं हमारे पास, एंडोमेट्रियल ग्लैंड मसल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से पैथोग्नोमिक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मीनोरेजी के लिए हम मैनेसिड्स एंड डायटेशन क्यूटाच कर सकते हैं। मीनोरेजिया ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरोटाच कर सकते हैं, है ना। अगर लीडी जो है बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो हिस्टरेक्टॉमी है, रिमूव कर दो यूट्रस को, ये बेस्ट है। बट अगर यंग पेशेंट है तो उसमें सुटेबल नहीं है यार हमारे पास हिस्टरेक्टॉमी, सो उनमें क्या करते हैं हार्मोनल थेरेपी देते हैं। ओके, एंड हार्मोनल थेरेपी में यहाँ पे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं यार ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, या फिर मारीना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी मैनेजमेंट द ट्रीटमेंट है ना, डायग्नोसिस कैसे बनाएं, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोजेनेसिस क्या है, एटियोलॉजी क्या है, एडिनोमायोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पे गायनिकोलॉजी के अंदर।